अल्लाह ना करे कि अवाम एहतसाब करें, अदालतें करें तो बेहतर है। अवाम कहते लग गए तो पता नहीं क्या करेंगे अवाम इनके साथ। हुकूमत की बात नहीं कर रहा ना, जमात की बात कर रहा हूँ मैं तो मजमूरी पूरी बदमाशियों की बात करता हूँ ना। एक ही तोला है पूरा जी, कभी इधर घुस जाता है, कभी उधर घुस जाता है, कभी नाम बदल के इधर से आ जाता है, कभी उधर से चादर पहन के आ जाता है, कभी दुपट्टा, कभी साड़ी, कभी पैंट शर्ट, कभी नेकर, एक ही ग्रुप है, एक ही बदमाशी है। बात यह है कि अवाम ना ही करें तो बेहतर है। दूसरी बात यह कि साजिश जो है वो देखें, ममनून हुसैन साहब ने अच्छी बात की थी कि अल्लाह की पकड़ में आ गए, रंगे हाथों पकड़े गए सारे के सारे, सारे के सारे, और इनकी बाकी जायदादें, इनकी इन्वेस्टमेंट, इनके पैसे, उनकी रसीदें, सब के सब पकड़े। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं है। और मैं हैरान तो इस बात पे होता हूँ कि ये एक दूसरे से मिलके बात कैसे करते हैं। यानी हैरान, डार साहब है, अभी साहब डार साहब जब जाते होंगे अपने दफ्तर में तो कैसे उनको लोग देखते होंगे कि यार उनकी चपरासी देखता होगा कि यार ये आदमी जो है, इस आदमी ने एफआईए को की तहकीकात में इसका नाम आ गया, ये मनी लॉन्ड्रिंग है। ये किस मुंह से ये लोग जाते हैं, ये किस मुंह से ये लोग जाते हैं, मैं हैरान हूं। यानी होते ना थोड़ी सी हया, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, वो वाली बात तो पकड़े गए ये चीजें, और आगे हफ्ते लग गए सारे दस्तावेजा जेआईटी के, वो अपनी रिपोर्ट बना के देने वाले हैं। तो अजीबो गरीब किस्म के, हमसे लड़ना, हमसे मत टकराना, हमसे क्या, हमसे फलां जमाना, ये ऐसी बुजुर्ग बातें, बुजुर्ग की बातें। मतलब है कि ये मतलब है कि वो जो थोड़ी सी भी हमदर्दी लोगों के दिलों में क्या आनी थी ना, लोग कह रहे हैं कि एक नहीं तो 10 जूते मारो। अब यानी ये तासुर हो रहा है, हमदर्दी क्या, हम लड़ेंगे, हम देख लेंगे, हम सर तोड़ देंगे, हम सर पा के फोड़ देंगे, ऐसे लोग पब्लिक इन्फोर्स के, यानी बजाय कि हमदर्दी का वो लेते, हमदर्दी का कोई इनको, इनके लिए कोई दो चार आंसू बहाने वाला होता, ये और बदमाशी दिखा रहे हैं अपने लोगों को और खुल खुल के सामने आ रहे हैं। यानी आप देखेंगे लोग, यानी एक लोगों में हमदर्दी का जज्बा होता है ना, इनमें से किसी एक आदमी की जो गुफ्तगू वो कर रहा है जो टीवी चैनल पे आ रही है, वो ऐसा लग रहा है कि वो बदमाश, वो जो फिल्मों के विलन होते हैं वो बोल रहे हैं, वो लग रहा है कोई वजीर है, लग रहा है कोई पढ़ा लिखा आदमी है, लग रहा है कि कोई कोई आम तरीन फैसले करने वाले, यानी खारजा पॉलिसी, इस मुल्क की दाखला, ये लग रहा है आपको, ये इस मुल्क बिजली के बोरान खत्म करेंगे, हमें काम नहीं करने दिए, चार साल चार काम नहीं करने दिए, फिर पैसे बनाने दिए आपको, वो कह रहे हैं काम नहीं करने दिया जी, नहीं ये बात नहीं कह रहे, हमें काम नहीं करने दिए, पैसा लूटमार करने दिए।